हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईशा एंड दिशा सिस्टर्स। सो ना थोड़ी बहुत हैप्पी हैं क्योंकि हम नानी थोड़ी सी ठीक है और इसलिए हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और ये देखो क्यूट सा बेबी है। हेलो हेलो, तो यहाँ पर एक क्यूट सा बेबी है और यहाँ पर एक गंदी सी लड़की है। सो ईशा तो जा रही है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो ये जो भैया सामने खड़े हैं तो ये ईशा को देख रहे हैं। तो शायद बोल देते हेलो हेलो बोलो हेलो हेलो। सो ये बहुत क्यूट बेबी मुझे यहाँ पर मिला। क्या नाम है आपका? झम्मा। सो गाइस, पिछले व्लॉग की तरह मैं फिर से आ चुकी हूँ वॉशरूम में शूट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं पिछले व्लॉग में भी आपको सेम बैकग्राउंड नहीं मिला, इस व्लॉग में भी आपको सेम बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भी मैं कुछ व्लॉगिंग कर रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, तो नानी यहाँ डाउन लग जा रही है। नानी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा मेरा व्लॉगिंग। मजाक कर रही हूँ यार। नानी को ना बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉशरूम में आके शूट कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको पिछले वीडियो में तो दिखाया ही था सारा यहाँ का सीन। बाकी मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, किसी फन के लिए नहीं बना रही हूँ, किसी नो इन्जॉयमेंट के लिए नहीं बना रही हूँ। बस आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहें, बिल्कुल यू नो सावधान रहें, सतर्क रहें। और सॉरी, अभी इसके बाद वाला एक और व्लॉग आएगा, वो भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड आएगा, लेकिन थोड़ा हैप्पी व्लॉग आएगा क्योंकि होपफुली नानी को डिस्चार्ज मिल जाए। क्योंकि नानी के चेस्ट में ना इन्फेक्शन बता रखा था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं एक्सरे के, उसमें सब कुछ ठीक है, क्लियर है सब कुछ। तो अभी कुछ ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें पता लगेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं। बाकी कोई भी ब्लॉग में डालूंगी तो वो 2-3 मिनट का हो सकता है क्योंकि छोटा ब्लॉग हो सकता है। और यार मेरे को ना बाहर एक बहुत क्यूट बेबी मिला था, उसे देख कर ना मुझे अयान की याद आ गई थी यार, बहुत ही क्यूट था वो, बिल्कुल अपने भाई जैसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि अयान भी सेम वैसे ही है। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं अयान को भी। तो अब तो मेरे पास 2 ब्रदर हो चुके हैं, तो अयान का भी छोटा ब्रदर आ गया है इस वर्ल्ड में। तो थैंक्स टू गॉड फॉर दिस, गॉड का सबसे बड़ा थैंक यू। ना इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, बस यही बताना था नानी अभी ठीक है थोड़ा, ये व्लॉग थोड़ा ऐसी यू नो ऐसी ब्ला ब्ला बोल दिया मैंने और निकल गए, ऐसा नहीं है। लेकिन यार मैं भी क्या करूँ, मेरे को बताओ वॉशरूम में आके यार व्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि बस ये चाहती हूँ कहीं भी व्लॉग बनाओ कोई वो नहीं है, लेकिन जैसा भी बनाओ कैसा भी बनाओ, लेकिन मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ कि नानी कैसी है, एक एक अपडेट आप लोगों को देती रहूँ। अब वो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं वॉशरूम में ब्लॉग बना रही हूँ या कहीं भी ब्लॉग बना रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी की अपडेट ये है कि नानी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है नानी क्योंकि नींद आ रही है नानी को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Stay tuned for next part and please I'll tell you one more time, pray for my nani, pray that she's get well soon. हर व्लॉग में मुझे ये बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी नानी जल्दी से ठीक चाहती हूँ मैं, मतलब वो जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।